गुड आफ्टरनून क्लास, माय सेल्फ एस के सिंह, और आज हम लोग क्लास 12th एंड आईआईटी नीट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉसियन थ्योरम से लिए गए हैं, और ये स्टार्टिंग का गॉसियन थ्योरम से बस जो फर्स्ट स्टार्टिंग थी उसी से लिया गया क्वेश्चन। और नेक्स्ट टर्म हमने बताया था आपको कि कोई क्लोज सर्फेस है, गॉस थ्योरम केवल लाइक करती क्लोज सर्फेस के लिए। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सो बिलो इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द फ्लक्स देन फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज थ्रू द सर्फेस एस। एस सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, ये किसके अंदर है, सर्फेस के अंदर है, तो इसी कारण केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि बाहर आई है, ठीक है ना। तो टू क्यू पर एप्सिलॉन नॉट क्या होगा आंसर, टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फाई की वैल्यू होगी टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। देखिए बहुत सा क्वेश्चन है, ये भी इधर देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द चार्ज कॉन्फिगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शो इन द फिगर व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस, ओवर द क्या लिखा है, ओवर द स्फेरिकल सरफेस, ओवर द स्फेरिकल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू। अब देखो इतना ये दिया गया, अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑनली पॉजिटिव चार्ज, देखिएगा रुक जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मतलब नहीं होता, दोनों से ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और दूसरी बात समझेगा, जब हमने आपको ये बताया था गोला खींच के बताया था, ये याद है, तो हमने कहा था कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा बाहर की नहीं होगा आउटसाइड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा इस सरफेस पे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, लेकिन हमने कहा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो मैं इनसाइड की बात नहीं कर रहा है, इसमें कह रहा है किस किस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो तीनों चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, यहाँ गॉसियन सरफेस की बात नहीं कर रहा है। यदि फ्लक्स की बात कर रहा होता तो केवल क्यूबन और प्लस क्यूबन और माइनस क्यूबन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा होता, ठीक है ना, लेकिन इसमें तीनों क्यूबन प्लस क्यूबन माइनस क्यूबन और क्यू टू तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये ऑप्शन बन जाएगा ऑल द चार्जेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ए दैट इनक्लोज द चार्ज पार्टिकल्स इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय क्यूबन माइनस 14 नैनो कूलम, क्यू टू 78.85 नैनो कूलम, क्यू थ्री माइनस 56 नैनो कूलम। हमें ये बताना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्या पढ़ करना है इलेक्ट्रिक। अब ध्यान देना इधर, तो पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं कहा कि गॉसियन सरफेस बी में या गॉसियन सरफेस ए में फाइंड करना है, इनक्लोज में फाइंड करना है, यानी कि तीनों सरफेस में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, टोटल चार्ज क्या आएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, तो क्यू टोटल आएगा हमारे पास, क्यू वन वैल्यू है माइनस 14 और क्यू टू वैल्यू है 78.85 और क्यू थ्री वैल्यू है माइनस 56, इन दोनों को ऐड करें तो 56 माइनस 56 और माइनस 14 ऐड किया 6 14 5 16 70, तो इससे जब लेस करेंगे तो Q टोटल आएगा कितना 8.85 और क्या नैनो कूलम, क्या आएगा स्मॉल n है नैनो कूलम। एक चीज़ और समझिएगा, यदि आपको तुक्का ही मारना था तो, और एक चीज़ समझिएगा, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करवाया जा रहा है, क्या फाइंड करवाया जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल क्या होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हम इसकी जब यूनिट देते हैं तो कहाँ देते हैं ई डी एस से, किससे ई डी एस से, ई की होती क्या न्यूटन बाई कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स, तो देखिएगा तो पहले तो ये लाई हो रही है न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन हो सकता है,
ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूटन इनवर्स में ये हो ही नहीं सकता है। ऐसे ये नहीं हो सकता है, यानी कि फर्स्ट या थर्ड हो सकता है, ठीक है ना। अब फर्स्ट में क्यू टोटल आ गया, हमें क्या फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है। तो क्या क्यू क्यू की वैल्यू कितनी है, 8.85, और नैनो गुलाम है, इसमें वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू पुट अप करना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट में, और क्या नैनो, नैनो में 10^-9, और अपॉन 8.85 इंटू 10^-12 वैल्यू होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। -12 जाएगा ऊपर तो प्लस का हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना बचेगा, 10^3 कितना आएगा, 10^3 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और 10^3 दो ऑप्शन दिए गए थे, ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया, यूनिट इन्होंने गलत लिख दिया, तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा, दैट्स ऑल। शंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए, ये क्यूब है एल साइड का है, क्यूब कैसा होता है सबको पता, ये क्यूब है एल और इसकी ऑल साइड इक्वल है, और ये बना दिया, ठीक है ना, ऑल साइड इक्वल है, कितनी कितनी है, एल एल, ठीक है ना, ये क्यूब बना दिया। कह रहा कि अ क्यूब ऑफ साइड एल, अब क्वेश्चन कह रहा फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू, जब इसमें फ्लक्स पासिंग थ्रू, फ्लक्स फाइंड करना है, कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट सरफेस पे फ्लक्स कितना होगा, और हमने बताया था जब कंप्लीट सरफेस पे फ्लक्स फाइंड किया जाएगा तो कहाँ रखा हुआ चार्ज, सेंटर पे रखा होगा, तो फ्लक्स क्या होता है, तो फर्स्ट का ऑप्शन होगा तो कितना सिंपल, फाइव कल क्यू वाई इफ साइलेंट, काम खत्म, ठीक है ना। बी पॉइंट कह रहा है, कह रहा है कि ऑन फेस, देखो छह फेस होते हैं, वन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह फेस है, यदि किसी एक फेस पे चार्ज रखा हो, अभी चार उठा के किसी एक फेस पे रख दिया जाए, सपोज कि यह चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस फेस पे रखा हुआ है, तो फ्लक्स क्या होगा, फाइव कल क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। अरे जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, एक पे तो रख दिया तो फाइव बचे सर, अरे एक एक पे रखा गया, जिस पे रखा गया तो फाइव लिखेंगे, एक पोर्शन रखा तो क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। देखो जैसे हम लोग पढ़े थे, ये सिलेंडर लिया था, ठीक है ना, सिलेंडर लिया या सर्किल लिया, इस पे का चार्ज रखा हुआ यहाँ पे, तो क्या होगा, ये फ्लक्स क्या होगा, फाइव कल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका अगर हाफ ले लिया जाए, क्या कंसिडर किया जाए, हाफ लिया जाए, और इस पे यहाँ चार्ज रखा जाए हाफ पे, तो क्या था, फाइव कल क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ऐसे ही छह फेस है, तो छह फेस को किसी एक फेस पर रखा है, तो क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट। अब सेकेंड कह रहा है, डज द फ्लक्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ क्यूब, क्या क्यूब के लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो हमने बताया कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, और हमने आज ही क्वेश्चन कराया था किस टाइप का, आपको याद होगा नेक्स्ट उसमें टर्म में हमने कराया था कि सपोज किया था कि कोई ये हाफ सर्किल है, ठीक है ना, इसकी रेडियस कुछ भी सपोज कर ली थी, सपोज किया ये सेंटर है और इसकी रेडियस थी 10 सेंटीमीटर, याद होगा आप लोगों को, ठीक है ना, और यहाँ पे चार्ज रखा था q इक्वल आप सपोज कर लें 8.85 और 10^5, अच्छा 8.85 पिको फैराड सपोज करें, यहाँ पे चार्ज रखा है 8.85 ये रखा हुआ चार्ज, ठीक है ना, ये इतना 17.70 पिको फैराड का चार्ज रखा हुआ है एट द सेंटर ऑफ द हाफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द हाफ सर्कल, और आपसे कहा जाए कि इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, तो बच्चा इसकी रेडियस से कोई लेना ही देना नहीं, हमें क्या लिखना है, एफ इक्वल क्यू वाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमने करवाया भी था, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 17.70 पिको मीन्स 10^-12 और एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 2 × 8.85 × 10^-12 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका डबल ये होता तो आंसर कितना आएगा, 1 N/c·m², ठीक है, यानी कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो सेकेंड क्वेश्चन यही था, हेलो, तो देखो सेकेंड था, डज द फ्लक्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द क्यूब,
तो लेंथ पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब यदि थर्ड पार्ट कह रहा है इफ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट सम अदर पॉइंट इनसाइड द क्यूब आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स सेंटर व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट विल बी द इट्स फ्लक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कह रहा है थर्ड पार्ट में, कह रहा है कि चार्ज यहाँ सेंटर पे रखने के बाद में, सेंटर चार्ज रखा क्योंकि अब सेंटर पे ना रख के यहाँ रख दिया जाए, इस पॉइंट रख दिया, किसी पॉइंट रख दिया जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि फेस पे रख दिया जाए, ठीक है ना। सेंटर पे ना रख के उसकी इधर उधर किसी पॉइंट पर पुट अप कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है ना। बस में आ गई तो नोट करिए, ध्यान समझिए इधर का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उमदा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें दो क्वेश्चन है साथ में, आप पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कर्नल ऑफ क्यूब, एक क्यूब के कर्नल पे, एक क्यूब है उसकी किसी एक कर्नल पे, किसी एक कर्नल पे क्या रखा है चार्ज प्लेस, किसी वन कर्नल पे चार्ज प्लेस, ठीक है। तो आपको पता होगा, आप काउंट कर सकते हो अपने घर में बैठ के, जो रूम होगा रूम में देखिएगा कितने कार्नर, चार, अच्छा वन टू थ्री फोर तो यही हो गए, अरे बेटा एट होते हैं, वन टू थ्री फोर, और जितने फोर इधर वैसे फोर इधर एट, ठीक है ना। और एक कार्नर पर प्लेस है तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स खत्म कार बाई इक्वल क्यू बाई एट एफ साइन, बस आंसर हो गए। अब सेकेंड की बात करें, सेकेंड इसी कह रहा है द फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, फ्लक्स वन फेस पे पास हो रहा हो, और क्या कार्नर की बात कर रहा है, तो कार्नर कार्नर देख रहा हो, एक कार्नर ये ले लो, कोई भी घर का है कोई कार्नर ले लो, उसमें कितने डायमेंशन मिल रहा है, वन टू थ्री, थ्री डायमेंशन मिल रहे हैं। तो अब फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइव इक्वल जब थ्री डी में तो वन बाई थ्री और इंटू क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, कॉर्नर की बात कर रहा है और वन फेस पे रखा है, इसे लिख लेते तो वन बाई थ्री हो गया, तो फाइव ई कितना आया, क्यू बाई ट्वेंटी फोर एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चा ये गॉसियन सरफेस में क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गॉसियन सरफेस, गुलाम शिला ड्यू टू गॉसियन सरफेस, और इसके बाद में एक्स्ट्रा सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दो ही टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट डे नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।